चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8A। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। रवीज क्लास हैज़ 18 बॉयज एंड 12 गर्ल्स, व्हाट इज इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आपसे पूछा गया है, यानी हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो 18 बॉयज हमें यहाँ पर दिए गए हैं, 12 गर्ल्स दी गई हैं, ठीक है। बॉयज का और गर्ल्स का हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर टोटल हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। क्लास में 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास बन जाते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, 18 प्लस 12, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 30 हो जाएगा, क्लियर। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ गई है 30। अब हमें बॉयज़ का परसेंटेज चाहिए, तो बॉयज़ परसेंट, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा कितना, 18 बॉयज़ हैं, टोटल स्ट्रेंथ हमारे 30, और परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 सिक्स 18 और 10 सिक्स, हमारे पास ये 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60%। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गया है बॉयज़ का। इसी तरह हम गर्ल्स का परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। गर्ल्स का परसेंटेज हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, गर्ल्स हमारे पास 12 हैं, तो 12 अपॉन 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसल्ड आउट, 3 फोर 12 हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10, यानी हमारे पास 40% गर्ल्स आ गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास 18 बॉयज़ थे, 12 गर्ल्स थी, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 30 हो गई। बॉयज़ का परसेंटेज 18 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, 60% आ गया। गर्ल्स का परसेंटेज 12 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आ गया है 40%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम, जिस चॉक में 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 12% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम। हमें कार्बन और कैल्शियम का क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड करना है ग्राम्स में, ठीक है। इफ हमारे पास कितना चॉक है, 2.5 kg ऑफ चॉक, यानी 2.5 kg ऑफ जो चॉक है हमारे पास, उसमें 10% हमारा कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन। तो हमें किसका अमाउंट चाहिए, केवल कार्बन और कैल्शियम का, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है, कैल्शियम 10% है, कार्बन 3% है, ऑक्सीजन 12% है, ठीक है। टोटल हमें अमाउंट इसमें पता करना है ग्राम में। तो सबसे पहले हम चॉक हमारे पास कितनी है, चॉक हमारे पास हो जाती है 2.5 kg, इट मीन्स 5/2 kg, और इसको हम ग्राम में अगर बदलें, 5/2 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, कितना, 2 5 10, और ये 500, यानी हमारे पास 2500 ग्राम आ गए चॉक, है ना। तो चॉक हमारे पास कितनी हो जाती है, चॉक हमारे पास आ जाती है कितना, 2500 ग्राम। अब इस 2500 ग्राम में हमें क्या करना है, हमको निकालना है कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। अब सिंपल है हमारे पास, बहुत इजी हमारे पास बन जाता है, ये देख लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैल्शियम हमने क्या निकालना है, कैल्शियम और कार्बन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैल्शियम मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास है कितना, 10%, तो 10% ऑफ 2500, तो 10/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2500 हो जाएगा, 20 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे हमारे पास, तो हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। इस तरह हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास कितनी है, वो हम निकाल लेंगे। कार्बन है हमारे पास 3%, तो 3/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2500, ठीक है। तो ये हो गया, 20 से 20 कैंसिल, 5 25 3 से होते हैं 75, तो 75 ग्राम हमारे पास कार्बन हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप को समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन एलॉय कंटेन्स 4% टिन, 1% जिंक एंड द रिमेनिंग कॉपर। कॉपर हमारा रिमेनिंग है, यानी एक एलॉय था जिसमें 4% टिन है, 1% जिंक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा कॉपर का है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलॉय, यानी हमें टिन का, जिंक का और कॉपर का परसेंट बताना है यहाँ पर। तो ऑलरेडी टिन और जिंक तो आपको दिया हुआ है, कॉपर का हम निकाल के दिखा देंगे। इसके अलावा बी पार्ट में हमसे पूछा है किलोग्राम में हमें मास निकालना है, फाइंड द मास इन किलोग्राम। किलोग्राम में मास फाइंड करना है ईच मेटल, ईच मेटल का यानी टीन का भी, जिंक का भी और कॉपर का भी। टोटल हमारे पास जो एलॉय है वो है 5 टन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का में हमें टीन दिया है 4%, जिंक दिया है 1%, कॉपर हमें रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए टोटल परसेंटेज जो हमारी होती है वो होती है 100। तो परसेंटेज ऑफ टीन जो हमें दे रखी है 4%, जिंक दे रखा है 1%, ठीक है, और कॉपर हो जाएगा हमारा 100 में से हम माइनस कर देंगे 4 + 1, यानी 100 - 5, 95% हमारा क्या हो गया है, कॉपर हो गया है। ठीक है, अब एलॉय हमारे पास कितना है, 5 टन्स दे रखा है हमें, 5 टन्स। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड मास ऑफ ईच मेटल इन केजी यानी किलोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 × 1000 करके इसको केजी बना लेते हैं, यानी ये 5000 हमारे पास किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट। तो अब हमारा जितना जितना परसेंटेज, यहाँ पर 4% जिंक हमारा, 1% कॉपर, इतना 95% है, इतना परसेंटेज टोटल हम 5000 केजी में से इतना इतना रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं टिन। ठीक है, टिन निकालने वाले हैं, हमें मास चाहिए, मास ऑफ टिन हमारे पास हो जाएगा। तो टिन कितनी क्वांटिटी में है, तो ये हो जाएगा 4% ऑफ 5000 केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/100 × 5000, 0 से 2 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा कितना, 5 × 4 = 20, 200 kg। ठीक है, तो 200 kg हमारे पास क्या हो गया है, टिन हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं जिंक। ठीक है, तो जिंक हमारे पास कितना होगा, 1% है, तो 1 डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, 1/100 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5000 से, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारे पास 50 kg आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर हम निकाल लेंगे। देखिए कॉपर निकालने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो रिमेनिंग है वो कॉपर है, 5000 में से आप 200 जो हमारा टिन है और 50 जो हमारा जिंक है उसको निकाल देंगे। 5000 में से हमारे पास 250 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 का 0 ना, यहाँ बचेगा 10, 10 5 हो जाएगा, 9 बचेगा 2 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 4 7 5 0 kg। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉपर। तो आप देख रहे होंगे टिन हमारे पास आ गया है 200 kg, जिंक आ गया है हमारे पास 50 kg, और कॉपर आ गया है 4 7 5 0 kg। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ए पैकेट ऑफ केक मिक्स। केक मिक्स हमारा जो है पैकेट है, उसका कंपोजिशन ऑफ इट्स कंटेंट, इस टेबल में हमें जो उसके कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो है कुछ दे रखा है पोर्शन, उसको देखना है हमें। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द केक मिक्स, परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, यानी जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबकी परसेंटेज चाहिए। तो हमारे पर 50 ग्राम में क्या क्या चीज़ है, प्रोटीन दिया हुआ है 3.5 ग्राम, ठीक है, फैट दिया हुआ है 5.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 27 ग्राम, और अदर इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कितने हैं, 14 ग्राम। तो इन सब की अलग अलग परसेंटेज हमें चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है प्रोटीन हमारे पास कितना है, फैट हमारे पास कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, अदर इंग्रेडिएंट कितने हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हमने राइट कर लिए। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है हमारी वो पर 50 ग्राम
बता रखी है, यहाँ पर दी हुई है कि 50 ग्राम में इतना इतना मटेरियल है, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 ग्राम आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करनी है केक मिक्स की, तो इट मीन सबका आपको चाहिए परसेंटेज। चलिए निकाल देते हैं, प्रोटीन परसेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो टोटल हमारे पास 50 ग्राम है, तो 3.5 अपॉन 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने से, 100 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 टू ज़ा हो जाएंगे 100, और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7.0%, यानी 7% हमारे पास प्रोटीन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें फैट, ठीक है, फैट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है ईच जो इंग्रेडिएंट है उसका हम निकाल रहे हैं, फैट हमारे पास कितना हो जाएगा, 5.5 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। तो फिर से जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 5 2 10 ये हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 2 5 10 और 11.0, ठीक है, परसेंट। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट निकालें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज अगर हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर इसको निकालने जा रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा 27 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, टू टाइम्स कट गया, 54% हो गया। और इसी तरह से अगर अदर इंग्रेडिएंट्स निकालें, अदर इंग्रेडिएंट्स की हम परसेंटेज निकालना चाहें, तो वो आ जाएगी 14 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 2 14 2 28 28%। तो ये टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज कंपोजिशन बाय वेट उन्होंने दिया है मिल्क का, इज शोन इन द टेबल। इंग्रेडिएंट्स हमारे अंदर जो दे रखे हैं मिल्क के, वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और अदर चीज़ है, हमारे परसेंटेज ये गिवन है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर ऑफ ईच ऑफ कंपोनेंट इन 1 kg ऑफ मिल्क। अगर हमारे पास 1 kg मिल्क है तो ये कितना कितना कंपोनेंट हमारा होगा, ठीक है। परसेंटेज आपको गिवन है, केवल आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। 1 kg का मतलब हो जाता है 1000 ग्राम। इसी तरह आपको केवल प्रोटीन पूछा है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन पूछा है कितने में, अगर हमारे पास मिल्क हो 7.5 kg, ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना जितना परसेंट होगा उतना उतना हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा ए पार्ट है जिसमें हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी 1 kg है, इट मीन्स 1000, और इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज हमारे ऑलरेडी टेबल में गिवन है, ठीक है। ये सब वो मैंने बुक से नोट कर लिया है, आप भी इसी तरह से बिल्कुल नोट करेंगे। हर एक की क्वांटिटी आपसे पूछी है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा लिखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट निकालना है। 5% है तो 5 upon 100 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे आप, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारे पास 50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें अगर प्रोटीन निकालना होगा, ठीक है, तो प्रोटीन हम निकाल देंगे, प्रोटीन हमारे पास कितना है, 3% है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो 3 निकाल दिया, 3 upon 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 30 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से 4% हमारे पास फैट है, तो फैट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 4 upon 100 मल्टीप्लाई 1000 और 20 से 20 कट गया हमारा, 40 ग्राम हो गया। 87 वाटर है, तो वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा 87 upon 100 into 1000, ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 870 ग्राम। और जो अदर हमारे पास है, अदर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं 1% है, तो 1 upon 100 और मल्टीप्लाई 1000, तो 20 से 20 हमारे कैंसिल हो गया, 10 ग्राम ये हो गया। तो टोटल जो हमारे पास आया है वो प्रोटीन 30 ग्राम आ गया है, फैट 40 ग्राम, वाटर 870 ग्राम और अदर इंग्रेडिएंट हमारे पे 10 ग्राम हो गए।
अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोटीन कितना होगा, अगर मिल्क हमारे पास कितना है 7.5, हमको क्या इन्होंने कहा है प्रोटीन के बारे में कहा है, ठीक है। प्रोटीन कितना होगा अगर मिल्क की क्वांटिटी हमारे पास है 7.5 kg, यानी 7500 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए, तो हमारे पास ये क्वांटिटी 7500 आ जाएगी। तो बस आपको करना है क्या है, प्रोटीन हमारा कितना था 3% था, तो प्रोटीन सीधा सीधा हम प्रोटीन लेके चलते हैं, और 3% है 3/100 मल्टीप्लाई 7500 00 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 5 15, ठीक है, 3 7 21 22 हो जाएंगे, तो 225 जो है हमारे पास ग्राम हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लें, नोट्स बना लें। ओके बेटा।